हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी दाल मखनी और फाइनल टच हम करेंगे इसका क्रीम के साथ, अमूल फ्रेश क्रीम के साथ, जैसे कि मैंने इसको अभी टच दिया है। और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं गार्निश जिंजर के साथ, और साबुत हरी मिर्च मैंने ली, बीच में से कट करा और उसके साथ। तो इतनी टेस्टी दाल मखनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लिया है साबुत उड़द की दाल एक कटोरी, और उसी कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से हाफ क्वांटिटी में मैंने लिया है राजमा। दाल मखनी में जो राजमा यूज़ होता है वो होता है कश्मीरी राजमा, रेड कलर का, बट ये मैंने नॉर्मल राजमा लिया है क्योंकि कश्मीरी राजमा आज नहीं था और दाल मखनी बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि खाने का मन कर रहा था। तो ये दोनों हमने पूरी रात भिगो दिए, और उसके बाद अब ले लेते हैं कुकर और इसको डाल देते हैं इसके अंदर। और अगर आपको पूरी रात भिगोने का टाइम नहीं है, आपको बहुत जल्दी में बनानी, तो आप उसमें थोड़ा सा सोडा डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। दाल मखनी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब पूरी रात भिगोने के बाद मैंने इसके उबालने के टाइम पर डाला है 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इतनी देर उसमें 4 से 5 सीटी आएगी, हम कर लेते हैं चौक की तैयारी। उसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, थोड़ा सा रिफाइंड और बटर, अमूल बटर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत क्विक बताऊंगी जिससे कि जल्दी से बन जाए और आप जल्दी से इंजॉय कर पाएं। ये देखिए अमूल बटर भी मेल्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अमूल बटर मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 लहसुन, ये ऑप्शनल है, जो लोग नहीं खाते वो इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिए 1 इंच की अदरक 20 से 25 फाइन चॉप है, और अगर आप चाहें, जो लोग फाइन चॉप नहीं खाते उनको टेस्टी नहीं लगती, वो उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो उसका टेस्ट आता है वो फाइन चॉप से ही आता है। उसके बाद मैंने ले ली है 8 से 10 हरी मिर्च कट करी हुई फाइन चॉप, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इन सबको अच्छे से कर दिया है एक बार मिक्स। और ये है हींग, हींग डालनी बहुत ज़रूरी होती है दाल मखनी में। और उसके बाद ये मैंने ले लिया एक बड़ा प्याज फाइन चॉप, ये सारे मसाले मैंने पहले ही कट करके रखे थे, अदरक हरी मिर्च प्याज और लहसुन। जो लोग लहसुन नहीं खाते वो उसे स्किप कर सकते हैं, जो लोग प्याज नहीं खाते वो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इतनी देर में यहाँ पे मैं दाल मखनी के चौक की तैयारी कर रही हूँ, और आपको पता ही है कि कुकर में हमने पहले ही राजमा बनने रख दिए हैं साबुत उड़द के साथ, तो वो भी मैंने आपको चेक करा दिया। इतनी देर में उसमें 5 से 6 सीटी आएगी, इतनी देर में हमारा साइड बाई साइड मसाला भी हो रहा है रेडी। ये सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे टमाटो। टमाटो लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा पानी होता है इनके अंदर, ये मॉइस्चर छोड़ते हैं, इसीलिए अगर हम पहले डाल देंगे तो प्याज अच्छे से नहीं भून पाएगी, लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छे से बिल्कुल भी नहीं भून पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आप उनको भून लीजिए सिम गैस पर और लास्ट में डालिए टमाटो। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसके अंदर हमें डालनी है लास्ट में लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च भी डाली है इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कम क्वांटिटी में डालेंगे, मैंने आधी चम्मच लिया है। और उसके बाद अमूल फ्रेश क्रीम। अब दाल मखनी में अमूल फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी तो आप समझ ही सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, तभी जो दाल मखनी है वो क्रीमी बनेगी और जो उसका टेक्स्चर है वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आएगा। ये देखिए दाल मखनी का चौक हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये देखने में अभी ही बहुत अच्छा लग रहा है, बट दाल मखनी में जब ये जाएगा उबली हुई दाल और राजमा में, तो उसका टेस्ट सुपर हो जाएगा। अब टाइम है एक बार कुकर खोल के चेक करने का कि ये बनी या नहीं बनी। ये देखिए कुकर का ढक्कन हमने हटा दिया और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे दिख रहा है कि राजमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल डन। तो इसको हम इसी चमचे के साथ थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, इससे अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो अब हम यूज़ करते हैं इसका जिसे पाव भाजी बनाते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये थिक नहीं होगी इसमें टेस्ट नहीं आएगा और टेक्सचर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं आएगा। और आज की जो दाल मखनी है वो बहुत ही सिंपल है, कोई के आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब टाइम है जो हमने चौक बनाया था उसको थोड़ा सा गर्म करने का, क्योंकि इतनी देर में हमने इसको मैश करा है तो ये चौक ठंडा हो चुका था।
ये बहुत ही क्विक रेसिपी बता रही हूँ मैं, साइड बाई साइड दोनों फटाफट से बन जाएंगे। और दाल मखनी को आप नान के साथ भी खा सकते हैं या प्लेन चपाती के साथ भी। और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी उड़द और राजमा, और ये हमारी दाल मखनी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब टाइम है इसमें एक उबाल आने का। अगर आप चाहें तो इस छौंक को कुकर में डाल सकते हैं और उसके बाद एक सीटी लगा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। मैंने छौंक कढ़ाई में बनाया था और उसी के अंदर आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर दिया राजमा और उड़द की दाल। तो ये देखिए उबाल भी आ चुका है, टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है दाल मखनी का। तो अब टाइम है इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर सर्व करने का। दाल मखनी सर्व करने के लिए मैंने एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी कढ़ाई ली है। आपको जो भी चीज़ पसंद हो जिसमें आप सर्व करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी बाल्टी भी ली है, बट पहले मैं इसमें सर्व करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक कढ़ाई में और एक बाल्टी में, दोनों ही बहुत क्यूट हैं, छोटी छोटी सी। और इससे क्या होता है खाने से पहले ना डिश थोड़ी अट्रैक्टिव होती है। और लास्ट में हम इसको कर लेते हैं अमूल फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश। अमूल फ्रेश क्रीम को जब भी आप गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा सा गर्म कर ही यूज़ करें, उससे जो है वो अच्छे से आप जो भी डिज़ाइन देंगे वो आ जाता है, अदरवाइज़ वो ड्रॉप ड्रॉप बनते हैं। तो ये लीजिए हमारी दाल मखनी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। लास्ट में हम इसको कर लेते हैं जिंजर के साथ गार्निश, और सेकेंड को कर लेते हैं हम हरी मिर्च के साथ। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। और वन मोर ऑप्शन, हम दाल मखनी बनाइए और चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। और आप इसको ट्रायंगल चपाती के साथ जब बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, नान की कोई नीड नहीं होती, हम भी वही खाते हैं। और एक को करते हैं हम हरी मिर्च के साथ गार्निश। तो ये दो तरह से हमने गार्निश करा है, आपको जो भी पसंद हो आप उस हिसाब से इसको गार्निश कर सकते हैं। और एक और मैं आपको गार्निश करके बता देती हूँ, एक हो गया ग्रीन चिल्ली से, जिंजर से, और लास्ट में हम कर लेते हैं ओनियन से। तो आज की दाल मखनी की रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है, टेस्टी है। जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दाल मखनी।